द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 9:15:10 एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ ऑफ होगा 10:15:12 इफ आर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, यहाँ जैसे बोला गया तीन लोग हैं हम लोग का, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, और ये तीनों का क्या दिया गया हम लोग को, इनकम का रेशियो दिया गया। इनकम का रेशियो क्या है हम लोग का, 9:15:10, तो ये है इनकम का रेशियो। ठीक है, अब अगर हम लोग को डायरेक्ट ये पता चल जाता से क्या बोला गया है, इफ़ आर स्पेंड्स इतना व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालने बोला गया और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है। सेविंग्स का रेशियो क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो देख लेते हैं, तो सेविंग्स का रेशियो दिया गया है कितने के बराबर, 10:15:12, 10:15:12। ठीक है, अब जैसे यहाँ समझना ये है कि ये इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग ये नहीं दिया हुआ रेशियो, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये रेशियो ठीक है, लेकिन ये 10 का, जैसे यहाँ क्या बोला गया, इफ़ आर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, आर कितना स्पेंड करता है 60% इनकम का, तो सेव कितना करता होगा 40%, फिर से बोल रहे हैं, आर स्पेंड करता है, खर्च करता है 60%, तो सेविंग्स कितना हो जा रहा है 40%, तो ये जो अगर इनकम 10 है तो 10 का 40% वो सेव करता होगा, और 10 का 40% क्या आता है 4, तो यहाँ सेविंग्स के जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ 12 के जगह 4 आना चाहिए था, लेकिन क्या रहा हम लोग का, यहाँ हम लोग का 12 दिया हुआ है, तो ये हम लोग को ऐसा करना होगा, इसको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ये जो सेविंग्स का रेशियो है ऊपर वाले के अनुसार करना होगा, तो 12 से 4 करने के लिए क्या करना पड़ा, 12 को 3 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, 12 को 3 से, तो इसको क्या करते हैं, सारे रेशियो को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो सेविंग्स का रेशियो देखो क्या चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, और ये 10/3 ही रहा। ठीक है, सेविंग्स का रेशियो 10/3, और यही रहने देना है। ठीक है, सेविंग्स हो गया। अब देखो एक्सपेंडिचर हम लोग क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो सिंपल सा है, ये इनकम हो गया, इनकम से सेविंग माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हम लोग का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो अब बस एक्सपेंडिचर निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका यही जो अप्लाई कर रहे हैं हम, 10 में से 10 हम लोग का इनकम था, 4 क्या हम लोग का, 4 सेविंग्स बचा लेते हैं, तो 4 बचाते हैं तो 6 क्या हो गया, 6 खर्च करते होंगे, 15 में से 5 बचा रहे तो मतलब 10 खर्च कर दे रहे हैं, और 9 में से क्या 10/3 हम लोग बचा रहे हैं, तो 9 से माइनस कर देते हैं 10/3, 9 - 10/3 क्या आ जाएगा, ये 29, 1 और 3 का एलसीएम 3, 27 - 10 मतलब 17 आ गया। ठीक है, 17/3 यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ये नीचे से 3 हटाने के लिए क्या करना होगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17, 3 कैंसिल हो गया, 10 3 जो 30, 6 3 जो 18, तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जा रहा हम लोग का 17:30:18, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें बस देखो, इसमें डायरेक्ट ये क्यों नहीं माइनस किए थे, ये वाला 10:15:12 वो कैसे माइनस होगा, क्योंकि वो रेशियो जो था सेविंग्स का रेशियो था, बिल्कुल रेशियो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 0 0 लगा देंगे 100, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि 9 में से 100 खर्च बचा ले रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो रेशियो दिया था सेविंग्स का ये इनकम के अकॉर्डिंग नहीं था, तो हम चेंज किए उसको इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 9 का अगर एग्जैक्ट देखें तो 9 का कितना बच रहा है, तो 9 का पता चला 10/3 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन ज्वाइन कर रहा था हम लोग ये दोनों रेशियो को, कौन सा रिलेशन, कि आर कितना हम लोग का सेव करता है या स्पेंड करता है जो भी। ठीक है, तो उससे हम कनेक्ट किए दोनों रेशियो को और फिर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा हो, और किसी स्टेप में अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।